तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि प्रिंसेस उसका हाथ पकड़कर उसे खींचती और उसे कहती है कि अपना बोरिया बिस्तरा बांधो, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, तुम्हारी जान को यहाँ पे खतरा है। ये सुनकर योंग फाई थोड़ा सा हैरान होता है और वो प्रिंसेस भी, क्योंकि ये बात उसे योंग फाई को नहीं बतानी थी मगर उसने गलती से बता दी थी। और फिर वो उसका हाथ छोड़कर कहती है कि कोई है जो तुम्हें मारना चाहता है। तो योंग फाई कहता है कि कौन मारना चाहता है मुझे। तो प्रिंसेस उसे इस बात का कोई जवाब नहीं देती और कहती है कि बस तुम मेरी बात मानो और अपना सामान पैक करो। ये कहकर वो उसका सामान पैक करने के लिए जाती है मगर योंग फाई उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मेरा सारा सामान इसके अंदर है, इसलिए तुम इसके अंदर नहीं देख सकती। तो प्रिंसेस उससे कहती है कि तुम्हें जो करना है करो मगर हम लोग देर नहीं कर सकते। तो योंग फाई उससे कहता है कि क्या तुम थोड़ी देर के लिए अपना मुंह उधर करके खड़ी हो सकती हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैंने जो सारा कचरा जमा किया हुआ है वो तुम देखो। तो प्रिंसेस चुनियन अपना मुंह दूसरी तरफ करके खड़ी हो जाती है और वो जैसे ही योंग फाई की तरफ देखती है तो योंग फाई उस कमान को बॉक्स में बंद कर देता है, जिसे प्रिंसेस चुनियन देख लेती है और उससे कहती है कि ये चीज तुम्हारे हाथ में क्या कर रही है, क्योंकि मैं जब वहां पर गई थी तो उस रूम में दो गार्ड थे और इस कमान को चुराने के लिए मुझे तुम्हारे जैसे ही एक चोर की जरूरत थी। और फिर वो डोंग से कहती है कि क्या तुमने इस चोरी में उसका साथ दिया है। तो योंग फाई उससे कहता है कि अगर तुम मुझे इसके लिए कोई सजा देना चाहो तो दे सकती हो। जिसके बाद प्रिंसेस देखती है कि योंग फाई ने अपना पहले से ही सामान पैक करके रखा हुआ है। तो वो उससे कहती है कि लगता है तुम पहले से ही सब कुछ प्लान करके बैठे हो। तो योंग फाई कहता है कि प्रिंसेस मुझे मरवाना चाहती है। तो ये सुनकर प्रिंसेस चुनियन कहती है कि अच्छा तो तुम्हें पता चल गया। तो योंग फाई उससे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम यहाँ मुझे बचाने के लिए आई हो। और फिर वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें दो ऑप्शन देता, या तो मेरे रास्ते में खड़ी हो जाओ या फिर मुझे जाने दो। ये कहकर वो अपना कमान उठा के वहां से जाने लगता है। जिसके बाद प्रिंसेस उसे पीछे से आवाज देती है और कहती है कि रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। ये सुनकर योंग फाई को झटका सा लगता है, वो उससे कहता है कि क्या कहा तुमने। तो प्रिंसेस उससे कहती है कि मैं तो वैसे ही तुम्हारे पास इसीलिए आई थी ताकि मैं तुम्हें कह सकूं कि हम लोग यहाँ से निकल चलते हैं, और तुम मेरी पैकिंग भी देख सकते हो कि मैंने ये पहले से ही पैक कर लिया है, और तुम ऐसा बिल्कुल भी मत समझना कि मैं अपनी शादी के डर से यहाँ से भाग रही हूँ। तो योंग फाई उससे कहता है कि ठीक है, हम लोग यहाँ से एक साथ निकलेंगे मगर उसके बाद हमारे रास्ते अलग अलग होंगे। तो प्रिंसेस उससे कहती है कि तुम यहाँ से भागने के मामले में मुझसे ज्यादा बेहतर नहीं होगे। तो योंग फाई कहता है कि ठीक है, हम लोग आज से ही और अभी से ही अपना रास्ता अलग कर देते हैं। ये कहकर वो अलग जाने लगता है। जिसके बाद प्रिंसेस उससे कहती है कि रुको, हम दोनों का मसला एक ही है, हम दोनों ही यहाँ से निकलना चाहते हैं। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रिंसेस वान के पास वही दो गार्ड आते हैं और उसे बताते हैं कि वो लोग जब तीर कमान की हिफाजत कर रहे थे तो अचानक से वहाँ पे स्मोक आ जाता है और उस स्मोक के बाद अचानक से वो कमान वहाँ से गायब हो गई। और फिर अचानक से वहाँ पे एक और शख्स आता है और प्रिंसेस से कहता है कि लाइकोंग अपनी आर्मी लेकर यहाँ आ रहा है। तो प्रिंसेस वान कहती है कि वो लोग यहाँ पे क्यों आ रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं शुआन और शुआन मिंग दोनों वहाँ पे आ जाते हैं और प्रिंसेस के आगे बैठ जाते हैं। तो प्रिंसेस उनसे कहती है कि अच्छा तो तुम लोग क्यों आए हो यहाँ पे। तो वो दोनों एक साथ कहते हैं कि प्रिंसेस प्लीज हमें माफ कर दीजिए, प्रिंसेस चुनियन ने हमें रिक्वेस्ट की थी कि हम उसे आपके ऑर्डर के बारे में बता दें। और अब वो योंग फाई को तलाश करने के लिए गई है और वो कह रही थी कि वो योंग फाई को लेकर यहाँ से दूर चली जाएगी। ये सुनकर वान थोड़ा सा हैरान हो जाती है और वो कहती है कि जल्दी करो, मास्टर शू को बुलाओ। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रिंसेस चुनियन योंग फाई से कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो, मैं तुम्हारी यहाँ से निकलने में मदद करूंगी। मगर योंग फाई कहता है कि तुम बिला वजह में ही चिल्ला रही हो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर लाइकोंग एक ड्रैगन के ऊपर सवार होके आता है और उनके सामने आके खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है कि मुझे हमेशा से ही डाउट था कि इस लड़के में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। तो प्रिंसेस उससे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो लाइकोंग कहता है कि मैंने योंग फाई के रूम के बाहर अपना एक बंदा बिठाया हुआ था जो कि उस पर नज़र रख रहा था, और यह सब कुछ मैंने इसीलिए किया क्योंकि मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा था और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे एक मामूली चोर के साथ डील करना होगा। तो प्रिंसेस उससे कहती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं यहीं पे रुकूं और तुमसे शादी करूं, इससे बेहतर तो यही है कि मैं प्रिंसेस ही ना रहूं। तो ये सुनकर लाइकोंग की फैमिली में से एक बंदा आता है और कहता है कि सब लोग खामोश हो जाओ, अब ये एंगेजमेंट यहीं पर खत्म होती है। और वो योंग फाई से कहते हैं कि तुमने प्रिंसेस को अपने साथ ले जाने की गलती की है, इसलिए अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। ये कहकर लाइकोंग अपने वेपन से बहुत ज्यादा एनर्जी क्रिएट करता है, जिसके बाद वो योंग फाई पर अटैक करने के लिए सीधा उसकी तरफ आता है। तो योंग फाई भी अपने हाथ से एनर्जी क्रिएट करता है और उस पर अटैक करने के लिए तैयार होता है कि अचानक से प्रिंसेस चुनियन उसके सामने आ जाती है और लाइकोंग के अटैक को रोकती है। मगर लाइकोंग अपने अटैक से उसकी शील्ड को तोड़ देता है
जिसके बाद प्रिंसेस चुनियन अपने हाथों से ही उसके वेपन को पकड़ लेती है, जिसकी वजह से उसका हाथ कट जाता है और उसके हाथों से खून निकल के योंगफाई के चेहरे पे लगता है। और फिर वो लाइकोंग से कहती है कि तुमने ही कहा था ना कि मैं इस लड़के को अपने साथ लेकर आई हूँ, तो अब ये लड़का मेरे साथ ही जाएगा और कोई भी इसे हाथ नहीं लगा सकता। ये सुनकर योंगफाई बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे अपनी पास्ट लाइफ याद आने लगती है, जिसमे हम देखते हैं कि योंगफाई एक लड़की के साथ होता है जिसका नाम युशुआन होता है। और योंगफाई उस वक्त बहुत ही ज्यादा जख्मी हो चुका था और उनका मुकाबला एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर के साथ था। तो योंगफाई उसे लड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तो युशुआन उसके प्रेशर पॉइंट पे अटैक करके उसे वहीं पे ही रोक देती है। और फिर योंगफाई उससे कहता है कि आखिर तुम क्या करना चाहती हो, तो युशुआन उससे आकर कहती है कि तुम दुनिया में सबसे बेस्ट हो और मुझे तुमसे बढ़कर और कोई भी प्यारा नहीं, इसलिए मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डालना चाहती, अब मैं उसका खुद मुकाबला करूंगी। ये कहकर वो उसकी तरफ आगे बढ़ती है और अपनी पावर्स को एक्टिवेट करती है, जिसके बाद हम देखते हैं वो हवा में ऊपर आने लगती है और उसकी बॉडी वहाँ पे आसपास की जितनी भी एनर्जी होती है उसे एब्जॉर्ब करने लगती है। और वो योंगफाई से कहती है कि मेरा हर दिन जो तुम्हारे साथ गुजरा था वो बहुत ही अच्छा था। तो योंगफाई ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रहा था मगर वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर अचानक से युशुआन उस पर अटैक कर देती है, तो वो वॉरियर उसे रोकने के लिए अपने हाथों से एक बहुत बड़ी शील्ड क्रिएट करता है और जैसे ही वो दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं तो वो दोनों वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसके बाद हमें युशुआन को नीचे गिरते हुए दिखाया जाता है। और उसी के साथ हम लोग फ्लैशबैक से बाहर आते हैं और योंगफाई प्रिंसेस की तरफ देख रहा होता है। प्रिंसेस उस वेपन को पकड़े हुए थी और फिर हम देखते हैं उसके हाथों से अचानक से बहुत ज्यादा फायर निकलना शुरू होती है और वो लाइकोंग के वेपन के छोटे छोटे टुकड़े कर देती है, जिस पर लाइकोंग भी हैरान हो जाता है और वो उससे कहता है कि तुम उसके लिए अपने आप को मुसीबत में मत डालो वरना फिर मुझे उसके लिए और भी सख्त कदम उठाना होगा, जिसके बाद तुम उस लड़के को बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगी। ये कहकर वो अपने हाथों से चुटकी बजाता है और अपने ड्रैगन को बुलाता है। तो थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं उसका ड्रैगन उसके पीछे आ जाता है और सब लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और डोंग वो योंगफाई के पैरों में छुप जाता है, मगर उस ड्रैगन को रोकने के लिए प्रिंसेस एक बहुत ही पावरफुल शील्ड बनाती है और योंगफाई से कहती है कि मैं इसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं जब 1 2 3 कहूं तो तुम यहां से भाग जाना। तो हम देखते हैं वो ड्रैगन बहुत ही तेजी से योंगफाई की तरफ आ रहा होता है और फिर अचानक से प्रिंसेस के पीछे से कोई एनर्जी बहुत ही तेजी से आगे बढ़ती है और उस ड्रैगन पे जाके हिट करती है, जिससे वो ड्रैगन बहुत ही जोर से नीचे आ गिरता है। और फिर एक और एनर्जी आसमान की तरफ जाती है और उससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तो सब लोग खड़े होकर ये सब कुछ देख रहे थे, जिसके बाद हम उस ड्रैगन को देखते हैं, वो उठने की कोशिश करता है मगर वहीं पे ढेर हो जाता है। तो उस ड्रैगन को मरता देखकर सब लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और लाइकोंग वो तो सदमे में आ चुका था, जिसके बाद प्रिंसेस पीछे मुड़कर देखती है योंगफाई के हाथ में वो तीर कमान है। तो योंगफाई उन लोगों से कहता है कि चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं, तो वो प्रिंसेस का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है और लाइकोंग को धक्का मार के आगे चले जाता है। और उसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है।